हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 ज्योग्राफी सब्जेक्ट के 100 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके पहले मैं पार्ट वन वीडियो बना दिया हूं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए जिसका नाम लिखा हुआ है ज्योग्राफी क्लास 12, वहाँ से पार्ट वन वीडियो देख लीजिए जिसमें 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है 100 प्लस क्वेश्चन। और इसमें भी 100 प्लस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं तो डाउंस। टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाती है। आर्कटिक क्षेत्र में पौधों के मुख्य पोषण तत्व के रूप में एनपीके कहलाता है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट। आर्द्र भूमि में पनपने वाली पौधा कहलाता है तो हाइड्रोफाइट। पृथ्वी पर मेगा जैव विविधता पाया जाता है तो भूमध्य रेखीय एवं आयन ब्रिज क्षेत्र में। जलवायु क्षेत्र जहाँ जैव विविधता सर्वाधिक है तो विषुवत रेखीय वर्षा वन में। सागर तटीय क्षेत्रों एवं नदियों के डेल्टाई भाग में उगने वाले पौधे हैं तो लवणोद्भिज। मध्योद्भिज उगते हैं तो सामान्य वर्षा वाले प्रदेश में। पतझड़ वन उगते हैं मानसूनी प्रदेश में। यूवी माने अल्ट्रावायलेट रे किरणों के पृथ्वी के वायुमंडल में एक छाता बनाने वाला गैस है तो ओजोन। समताप मंडल में ऊपर से 20 से 50 किलोमीटर के बीच वायुमंडलीय ओजोन की स्थिति प्रतिशत है 90%। घास सवाना की विशेषता है वृक्षों एवं झाड़ियों की अनुपस्थिति। तूशोक घासें पाई जाती है तो न्यूजीलैंड के कैंटर बरी घास में। टुंड्रा वनस्पति को कहते हैं शीतानुकूलित। निम्न में से किस देश में पृथ्वी शीर्ष सम्मेलन हुआ था तो ब्राजील में। भारत के केरल एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्र में मानसून पूर्व वारिश कहलाता है तो आम्र वर्षा। पर्वतीय समीर का दूसरा नाम है कैटेबेटिक वायु। उत्तर पश्चिम पछुआ वायु को सालों भर 40 से 60 डिग्री गोलार्ध में बहती रहती है कहलाती है तो प्रचंड पंचिका। जलोद्भिज पनपने का स्थान है दलदली भूमि। सुंदरी वृक्ष एक प्रकार का पौधा है लौड़ोद्भिज। किस जलवायु दृश्यमान को यीशु के बच्चों के रूप में जाना जाता है एल नीनो एवं ला नीनो। AW एक प्रकार का जलवायु है तो उष्ण कटिबंधीय। निम्न में से कौन मुख्यतः हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है तो CO2। निम्न में से कौन भोपाल गैस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी है तो MIC। जिस पुस्तक में पौधों एवं पशुओं के संरक्षण की संख्या प्रकाशित किया जाता है उसे कहते हैं रेड डाटा पुस्तक। जैव विविधता हॉट स्पॉट का एक उदाहरण है गिर जंगल। ओजोन स्तर के क्षरण के लिए मुख्यतः दायी है फ्लोरोकार्बन। भारत में वह स्थान जो जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है तो पश्चिम घाट का उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। पारिस्थितिक विविधता है एक आवासीय विविधता। E.O. विल्सन ने किस वर्ष जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था तो 1985 में। जैव विविधता से समृद्ध एक देश है ब्राजील। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता पाई जाती है तो अधिकतम। दरियाई घोड़ा पाए जाते हैं तो सवाना बायोम में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रस्तावित हुआ था 1997 में। आवास विविधता शब्द का दूसरा नाम है तो पारिस्थितिक विविधता। हॉटस्पॉट किस प्रकार का क्षेत्र है तो प्रजातियों की अधिकता। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान निर्मित हुआ था तो 1936 में। हैले राष्ट्रीय उद्यान को अब कहा जाता है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जीन बैंक संरक्षण करने की प्रयास करता है तो प्रजातियों के बीज का। भारत का वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था तो 1997 में। भारत का एक भू स्खलन प्रवृत्त राज्य है तो हिमाचल प्रदेश।
समतल मिट्टी के कणों के परिवहनकरण की प्रक्रिया ए समतल से बी समतल कहलाता है, तो विनिक्षेपण। एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वेसी नेचुरल हजार्ड इज, तो बांध से छोड़ी गई जल से बाढ़ का सृजन। बरसात में एक बांध से अधिक मात्रा में जल निष्कासन से होने वाली बाढ़ है तो सर्व प्राकृतिक आपदा। देखिए बहुत तेज बारिश हो रहा है, आप बारिश के साउंड को सुन सकते होंगे, फिर भी क्या किया जाएगा, वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। बाढ़ भूमि निर्माण करने वाली प्रक्रिया है अधिवृद्धि। निम्नोक्त में से कौन भू स्खलन का कारण नहीं है, तो बहुदेशीय नदी घाटी योजना। अंतर्राष्ट्रीय भूकंप नापन केंद्र स्थित है यूनाइटेड किंगडम के न्यू बरी में। भूकंप जनित ऊंची सागरीय लहरें कहलाती है सुनामी। भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है उत्तर प्रदेश। अंतरजात आपदा है भूकंप। जनसंख्या विस्फोट है सामाजिक आपदा। भूस्खलन की घटनाएं सामान्यतः घटित होती है तो पर्वतीय प्रदेशों में। भारत का अत्यधिक भूकंप ग्रस्त भाग है तो हिमाचल प्रदेश। ए क्लाउड ब्रश ऑकर मेनली इन उत्तराखंड। द रेन शैडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाटी सूखाग्रस्त। श्रीलंका में फसल को जीवन दायिनी के रूप में जाना जाता है तो हरा नारियल। फल समन्वय की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति का नाम है वेबर। निकटवर्ती शहर में बिक्री के लिए फूलों फलों एवं वनस्पतियों की खेती को कहा जाता है बाजार बागानी। प्राथमिक आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है ऊन संग्रह। आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक है सकल घरेलू उत्पाद। वह कृषि पद्धति जिसमें बाजरा उत्पन्न होता है कहलाता है शुष्क कृषि। कपास की कृषि के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है तो काली मिट्टी है। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश चीन है। भारत में नीली क्रांति जुड़ी हुई है मछली उत्पादन से। भारत का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादन राज्य है महाराष्ट्र। भारत में हरित क्रांति का आरंभ किस फसल को केंद्रित करके हुआ था, तो गेहूं का। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था तो विलियम ग्रेड द्वारा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 1967 में। ऑपरेशन फ्लड परियोजना संबंधित है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। मूंगफली का जन्म स्थान है ब्राजील। सोयाबीन का सबसे बड़ा निर्यातक है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। फसल उत्पादन से संबंधित आर्थिक क्रिया है प्राथमिक क्रिया। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पैदा किया जाने वाला चावल कहलाता है जैपोनिका। विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादन महादेश है दक्षिण अमेरिका। कहवा उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि है तो सुप्रवाहित। बाजरा के लिए आवश्यक है शुष्क जलवायु। भारत में राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी तो सन 1965 में। संयुक्त राज्य अमेरिका का अग्रणी सूत वस्त्र उत्पादन क्षेत्र है तो दक्षिण अलेशियन क्षेत्र। भारत में कच्चा जूट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई अंचल। निम्नलिखित में से कौन देश गन्ना के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है, तो ब्राजील। फसल गहनता सर्वाधिक पाई जाती है गहन कृषि में। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश है भारत। शीतोष्ण घास के मैदान में प्रचलित कृषि पद्धति है व्यापारिक अनुत्पादन। सर्वप्रथम रबड़ वृक्ष वाटिका लगाया गया था तो हर हेनरी विकहम द्वारा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो M.S. स्वामीनाथन को। सफ़ेद क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, प्रोफेसर वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है तो सफ़ेद क्रांति से। भारत में मुख्यतः काफ़ी किस्म की उपज होती है तो अरेबिका। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। औद्योगिक उपस्थिति का पहले प्रतिपादन किया गया तो अल्फ्रेड वेबर द्वारा।
मलेशिया का एक महत्वपूर्ण उद्योग है रबड़ उद्योग है। कार्बोनिक एसिड का चूना तथा बारिश के पानी के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया कहलाती है तो कार्बोनेशन। भारत का उद्यमान उद्योग है तो पेट्रो रसायन उद्योग। भारत में खाद्य प्रक्रिया उद्योग में एक अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। भार हार्स कच्चा माल का पदार्थ सूचक है वन। उद्योग स्थापना के प्रति न्यून लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो वेबर ने। सूती वस्त्र उद्योग के स्थापना का सबसे उचित स्थान है तो कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट नदी के किनारे। भारत का बोस्टन कहलाता है कानपुर। पेट्रो रसायन उद्योग विकसित नहीं है तो डिब्रूगढ़ में। भारत के सूती वस्त्र की राजधानी है मुंबई। जूट से निर्मित वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादन है भारत। भारत का सबसे बड़ा जूट के सामानों का आयातकार देश है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। बांग्लादेश का प्रमुख उद्योग है जूट उद्योग। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि आधारित उद्योग है तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। विश्व का बृहत्तम चाय निर्यातक देश है भारत। भारत में कपास क्षेत्र में चले जाने वाले निर्मित पोशाक उद्योग के अवस्थान विकसित होने के कारण है तो क्रय शक्ति में वृद्धि और अभ्यंतरी बाजार। तो ये मैंने 100+ क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया पार्ट टू वीडियो में, और बहुत जल्द पार्ट थ्री वीडियो में लेकर आऊँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।